व्रत में 1 चम्मच घी से हम बहुत ही टेस्टी कुरकुरा नाश्ता बना रहे हैं। आप इससे जल्दी कुछ नहीं बना सकते व्रत में, ये सबसे जल्दी बनता है। सबसे पहले देसी घी में डाल देंगे हम जीरा और हरी मिर्च, इनको भून लेंगे। उसके बाद डालेंगे काली मिर्च और फिर इसमें सिंधा नमक डालेंगे। जो मिर्च नहीं खाते वो मिर्च मत डालना। नमक डालने के बाद इनको अच्छे से भूनने से मसाला भुन जाएगा, तो 2 गिलास पानी डालेंगे और उसको उबाल लेंगे। जब वो पानी उबल जाएगा तो ये जो हम रेसिपी बना रहे हैं, ये जो समा के चावल का आटा होता है उससे हम ये बना रहे हैं। बहुत ही बढ़िया कुरकुरा नाश्ता बनता है, नमकीन चटपटा। आप दही के साथ, चटनी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। तो मेरे पास आटा नहीं था तो मैंने जो समा के चावल हैं उनको थोड़ा सा धूप लगा के मिक्सी में पीस कर ही आटा घर पर बनाया है। फटाफट बन जाता है और मैंने डालकर इसको तब तक चलाया जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाएगा और इसमें गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए। धनिया भी डाल देंगे हम और 2 मिनट और चलाएंगे। जितना चलाएंगे अच्छे से उतना बढ़िया बनेगा, ये सूखा सूखा सा हो जाएगा। इसमें 2 चम्मच घी और डालेंगे, या आप 1 चम्मच भी डाल सकते हैं अगर आपको कम घी का खाना है तो। और इसको हम ठंडा करेंगे और फिर ठंडा करने के बाद फिर हम प्लेट में जमा देंगे और कट कर लेंगे। ट्रायंगल के आकार में हम कट करेंगे और अब इनको हम तवे पर सेक लेंगे। इतना बढ़िया, ये कच्चा तो है नहीं, बस इसको थोड़ा सा क्रिस्पी करना है। बहुत बढ़िया नाश्ता बनकर रेडी हुआ है। अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई है वीडियो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। ये देखो, अब दोनों साइड से उलट पलट के हम घी लगाते हुए इसको सेक लेंगे, इनको ब्राउन कर लेंगे बिल्कुल डार्क ब्राउन, ताकि ये बढ़िया कुरकुरे बन जाएं। प्लेट में निकाल लूँगी, दही और चटनी के साथ सर्व करेंगे। थैंक यू।